नमस्कार, मैं रचना शर्मा चलती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। 9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर कई वर्षों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया गया था। वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खास मौके पर उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भेजी हैं। सीएम योगी ने कहा है कि प्राकृतिक सुरम्यता व सुष्मिता से पूरे तथा सनातन संस्कृति के अनेक प्रतीकों को संजोए देव भूमि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह रमणीय प्रदेश प्रगति पथ पर निरंतर गति करता रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तीसरी लीड्स यानी लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की तीसरी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में गुजरात सबसे ऊपर और हरियाणा दूसरे व पंजाब तीसरे नंबर पर है। वहीं लीड्स रिपोर्ट 2019 की राष्ट्रीय क्रमांक सूची में 13वें स्थान पर रहा यूपी अब छठे क्रमांक पर आ गया है। रिपोर्ट जारी करते वक्त केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस रिपोर्ट को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किसी भी तरीके के सरकारी दखल से स्वतंत्र तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश लीड्स रैंकिंग में अन्य राज्यों की तुलना सबसे बेहतर करने वाला राज्य बना है। यूपी के बाद उत्तराखंड और झारखंड है जिन्होंने क्रमशः छठा और पांचवें स्थान के साथ अपनी रैंकिंग में सुधार किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ट्वीट कर बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन के अनुगमन का सुफल है कि लीड्स रिपोर्ट 2021 में उत्तर प्रदेश को शीर्ष सुधारक राज्य का दर्जा दिया गया है। लीड्स रिपोर्ट 2019 की राष्ट्रीय क्रमांक सूची में 13वें स्थान पर रहा यूपी अब छठे स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल जिला स्तरीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि सामूहिक प्रयास से उत्तर प्रदेश में हुए कोविड प्रबंधन को आज वैश्विक सराहना प्राप्त हो रही है। टेस्ट हो या टीकाकरण, उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। और सीएम योगी ने बताया कि कोविड टीकाकरण के लिए पात्र कुल 15 करोड़ प्रदेशवासियों में से 9.95 करोड़ लोगों को कम से कम पहली डोज लग चुकी है। 4.5 करोड़ आबादी अभी बाकी है। नवंबर के अंत तक 100% लोगों को फर्स्ट डोज लगाया जाना है। ऐसे में हर दिन 25 से 30 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने कहा है कि हर जिले में रात्रि 10 बजे तक टीकाकरण का कार्य जारी रखा जाए। इससे कामकाजी लोगों को भी सुविधा होगी। लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। लक्ष्य के सापेक्ष संतोषजनक प्रगति न होने पर संबंधित जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। टीकाकरण के लिए ग्राम प्रधानों से लेकर सांसद तक सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाना चाहिए। प्रथम डोज संतृप्त ग्राम के माइक्रो लक्ष्य के साथ टीकाकरण किया जाना चाहिए। और सीएम ने कहा कि शहरी वार्डों में प्रथम डोज संतृप्त वार्ड की भावना के साथ मिशन मोड में काम किया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। अब तक जिन क्रय केंद्रों का संचालन शुरू नहीं हो सका है वहां अगले 24 घंटे में केंद्र संचालित करा दिए जाएं। क्रय थोक की खाद्य रसद विभाग ने सभी जिले में 4000 धान खरीद केंद्र तय किए थे, जबकि मुख्यमंत्री ने 4500 केंद्रों पर धान खरीद कराने के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा है कि अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी व तहसीलदार सहित सभी प्रमुख अधिकारी हर दिन क्रय केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण करें। जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात करते हुए यह तय किया जाए कि एक भी किसान की ओर से घटतौली की शिकायत न आए और केंद्रों पर किसानों की जरूरतों व सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। धान क्रय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, सभी जिलों में इसकी सप्लाई चेन सुचारू रखी जाए। सीमावर्ती जिलों में तस्करी की घटना ना हो इसके लिए अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। खाद की कालाबाजारी और तय मूल्य से अधिक पर बिक्री किसी दिशा में भी स्वीकार नहीं है। साथ ही सीएम ने निर्देश दिया कि शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव कृषि और प्रमुख सचिव सहकारिता के अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। जनपद बदायूं में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,328 करोड़ की 359 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। और सीएम योगी ने आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना में चाबी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार को बदायूं पहुंचे थे और इस दौरान सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। बदायूं जिला प्रशासन के मुताबिक मुख्यमंत्री सुबह सहसवान में बदायूं रोड किनारे बने हेलीपैड पर उतरे। सहसवान के प्रमोद इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही
विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बदायूं को बड़ी सौगात दी है। प्रातःकालीन सत्र में इतने बड़े पैमाने पर आप सबकी उपस्थिति यह हम सबको आह्लादित करता है। मैं इस अवसर पर आप सभी की इस उपस्थिति के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और एक साथ लगभग 1400 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का आज यहां लोकार्पण हो रहा है इसके लिए जनपद बदायूं से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधियों के परिश्रम के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और संपूर्ण बदायूं वासियों को इन योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं की संख्या 50 है जिनकी लागत है लगभग 1118 करोड़ रुपए और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की संख्या है 146 और जिन पर पैसा खर्च होगा 211 करोड़ रुपए। विकास की ये परियोजनाएं समयबद्ध ढंग से हो, कार्य के मानक की गुणवत्ता को हर हाल में बनाए रखते हुए हो, यह प्रदेश सरकार की पहले दिन से मंशा रही है। प्रदेश के अंदर एक विकास का माहौल हो, क्योंकि ये भौतिक विकास के कार्य ही प्रदेश के आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन का कारक बनेंगे। इस विश्वास के साथ जब मार्च 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी तो प्रदेश के अंदर विकास की सोच को जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सके उस सोच को आगे बढ़ाने का जो कार्य आगे बढ़ाया गया आज भाइयों बहनों उसका परिणाम है कि 2017 के पहले जब केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी सर्वे को विकास से जुड़े हुए लोक कल्याण से जुड़े हुए किसी भी सर्वे को जब प्रसारित किया जाता था तो उत्तर प्रदेश सबसे पीछे होता था, लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास से और प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा तीव्र गति से उन कार्यों को आगे बढ़ाने के कारण भारत सरकार का कोई भी सर्वे आता है और उसमें चाहे वह विकास से जुड़े हुए हों, लोक कल्याण से जुड़े हुए हों, उन सभी सर्वे में आज उत्तर प्रदेश नंबर एक या नंबर दो पर आता है। यह उत्तर प्रदेश की बदली हुई उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो देश के सामने जिस उम्मीद के साथ, जिस अपेक्षा के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों के रूप में खड़ा करने का एक सपना देखा था, वह सपना उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष के अंदर पूरा करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार को 9 नवंबर को बरेली मंडल के शाहजहांपुर दौरे पर भी पहुंचे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास कर जनता को सरकार के काम के बारे में बताया। मुख्यमंत्री योगी ने आज शाहजहांपुर में 269 करोड़ रुपए की 131 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने शाहजहांपुर में जनसभा को भी संबोधित किया और सीएम आदित्यनाथ दोपहर को शाहजहांपुर पहुंचे थे और इसके अलावा सीएम ने शाहजहांपुर में दिवंगत सेठ विष्णु चंद्र जी की मूर्ति का भी अनावरण किया। शाहजहांपुर की जब बात आती है तो आजादी के वे महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्पाउल्ला खां का नाम हर भारतीय बड़े गर्व के साथ
इन महान क्रांतिकारियों का नाम लेकर के भारत के आजादी के इन दीवानों के प्रति नमन करता है और सांझापुर का नाम सबकी जवान पर खड़ा होता है। आजादी के इन महान क्रांतिकारियों के प्रति मैं कोटि कोटि नमन करते हुए देश के अंदर आजाद भारत में परमवीर चक्र विजेता शहीद नायक जदुनाथ सिंह की भी यह पावन स्थली है। भाइयों बहनों, जिनके लिए भारत ही राष्ट्र है और भारत राष्ट्र ही धर्म है, इस भाव के साथ जिन्होंने कार्य किया था, ऐसे राष्ट्र नायकों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, मां गंगा और राम गंगा के बीच में बसा हुआ यह क्षेत्र भगवान परशुराम की भी साधना स्थली के रूप में मानी जाती है और हम लोग इस अवसर पर भगवान विष्णु के इस महान अवतार को भी नमन करते हैं। भाइयों बहनों, ये मान्यता है कि यहां पर पटना देवकली का सुप्रसिद्ध शिव मंदिर, यहां की उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पवन साधनीय साधना स्थली के रूप में विख्यात रहा है और कहते हैं कि यहां पर की गई तपस्या सदैव फलीभूत होती है और उसी पवित्र स्थल को पर्यटन विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुई है। भाइयों बहनों, मुझे आज जब हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं 2017 में भी आया था यहां पर श्री मनोज कश्यप के चुनाव प्रचार के दौरान, आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो जारूपन, उनका तेवर समाज के वंचितों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, उनका संघर्ष सदैव याद किया जाएगा। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय श्री मनोज कश्यप को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज मुझे यहां पर लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत से 131 करोड़ रुपए की जलालाबाद, कटरा और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर अपने माननीय सांसद, प्रदेश सरकार के मंत्री और माननीय विधायकों की उपस्थिति में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए इन तीनों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी नागरिकों को, आप सभी भाइयों बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, इसकी बधाई। ये योजनाएं आपके लिए कल्याणकारी हो, इस बात की कामना के साथ जो योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, प्रशासन से अपेक्षा है कि कार्यदायी संस्थाएं समयबद्ध तरीके से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए इन कार्यक्रमों को पूरा कर लें, इस विश्वास के साथ कि जिससे आने वाले समय में इन योजनाओं का लाभ भी जलालाबाद, कटरा और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य के साथ आज भाइयों बहनों, मुझे जलालाबाद में एक बार फिर से आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं।
कामिसापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक 20 वर्षीय युवक की हत्या कर शव को खाली प्लाट में फेंक दिया गया। मृतक की शिनाख्त गोताखोर सोनू उम्र 20 वर्षीय निवासी विशुनगंज के रूप में हुई है। शव के पास नशीले इंजेक्शन और तांश के पत्ते भी पुलिस ने बरामद किए हैं। गला दबाकर हत्या की आशंका भी जताई गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और घटना की जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद ही युवक की हत्या का खुलासा होगा। यह घटना थाना जमुना पार इलाके के गांव ईसापुर दुर्वासा ऋषि मंदिर के समीप की है। NSUI ने शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान लॉन्च किया। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की है। NSUI के अनुसार नई शिक्षा नीति केंद्रीकरण व शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती है। साथ ही यह शिक्षा विरोधी नीति तब लाई गई जब पूरे देश में कोविड कहर का दौर था। शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान को NSUI के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी शौर्यवीर का कहना है कि बीजेपी सरकार निजीकरण, नौकरियां, आरक्षण व भविष्य सब बर्बाद कर देगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी गला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।